जिस योजना को रघुवर सरकार ठंडे बस्ते में डाल चुकी थी, अब वह फिर से चलने को तैयार है। धोती साड़ी लुंगी योजना का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इस पर साल में 450 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। गरीबों के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना फिर से शुरू होने जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके लिए टेंडर निकलेगा। प्रत्येक परिवार में एक धोती और एक साड़ी या धोती की जगह लुंगी दी जाएगी। उसका मूल्य वही 10 रुपए ही रहेगा। दुर्गा पूजा के मौके पर योजना लागू होगी। धोती साड़ी एक सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका नाम सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना है और इसके अंतर्गत हमारे राज्य के जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित हमारे जो परिवार हैं, 57 लाख परिवार, उन सभी परिवारों को वर्ष में 2 बार एक एक धोती और एक एक साड़ी उनको देना है और धोती की जगह यदि वो लुंगी चाहे तो लुंगी भी मिल सकती है। तो ये योजना झारखंड में 57 लाख परिवार खाद्य सुरक्षा कानून के अधीन आते हैं। धोती साड़ी लुंगी योजना का लाभ इन परिवारों को ही मिलेगा। झारखंड की पिछली रघुवर सरकार ने इसे बंद कर दिया था, जबकि खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय इसे लागू करने के पक्ष में थे। राज्य में सत्ता बदलने के बाद जेएमएम नेतृत्व वाली हेमंत सरकार में इसे फिर से लागू किए जाने की चर्चा भी थी। देखिए, ये योजना बहुत ही लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजना थी इस राज्य के लिए और धोती साड़ी और लुंगी योजना जो सोना सोबरन के नाम से इस योजना को चलाया जा रहा था और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन पिछली सरकार ने विद्वेष की भावना से इस योजना को बंद कर दिया था। इसको फिर से प्रारंभ करने का हम लोगों ने अनुरोध किया सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, और सरकार इस पर काम भी कर रही है और बहुत जल्द इस योजना को इस राज्य में लागू किया जाएगा। और इस योजना के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेज दिया है। उसके बाद यह कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाएगा। उसके बाद इसके लिए टेंडर होगा। अनुमान लगाया गया है कि औसतन एक धोती साड़ी या लुंगी पर लागत प्रति आइटम 200 रुपए आएगी। कैमरामैन हेमंत के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।